सिर्फ 1 लाख रुपए के निवेश से शुरू कर सकते हैं ये सुपर हिट बिजनेस। हर महीने होगी लाखों की कमाई। बेहद कम पैसों में निवेश करके मोटी कमाई करने का आइडिया आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा। अगर आप इसे साकार करना चाहते हैं तो हम आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया दे रहे हैं जिसमें आप कुछ ही महीनों में लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं वो है खीरे की खेती का। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लागत भी कम लगती है और कम समय में मोटी कमाई की जा सकती है। इसकी खासियत ये है कि इसे किसी भी तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, यानी इसे आप बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी या स्लिट मिट्टी कहीं भी इसकी खेती कर सकते हैं। आप गांव से लेकर शहर में कहीं भी इसकी खेती कर सकते हैं। इन दिनों खीरे की अच्छी डिमांड है। खीरे के बिना तो सलाद भी अधूरा ही रहता है। ये स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद रहता है। खीरे की फसल 60 से 80 दिनों में तैयार हो जाती है। खीरे की डिमांड गर्मियों के मौसम में जबरदस्त रहती है। खीरे की खेती के लिए जमीन का पीएच 5.5 से 6.8 तक अच्छा माना गया है। इसे नदियों और तालाबों के किनारे भी उगाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के एक किसान ने खीरे की खेती का कारोबार शुरू किया। उन्होंने सिर्फ 4 महीने में 8 लाख रुपए की कमाई की। खीरे की खेती के लिए उन्होंने नीदरलैंड के खीरे की बुवाई की थी। इन खीरों की खासियत ये है कि इसमें बीज नहीं होते, लिहाजा इन खीरों की डिमांड बड़े रेस्टोरेंट और होटल्स में ज्यादा रहती है। किसान ने इस खीरे की खेती शुरू करने के लिए सरकार से 18 लाख रुपए की सब्सिडी ली और खेत में ही सेड नेट हाउस बनवाया था। बता दें कि अगर देसी खीरे का भाव 20 रुपए किलो है तो नीदरलैंड के बिना बीज वाला ये खीरा 40 से 45 रुपए किलो के भाव में बिकता है। मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया का सहारा भी लिया जा सकता है। इस तरह खीरों की डिमांड साल भर बनी रहती है क्योंकि सलाद के तौर पर खीरे का इस्तेमाल खूब होता है। ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आम तौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया, तो आप अंदाज़ा लगा लिए करीब करीब 3 दशक से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था, जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी जो कि उनके आगे के लिए काम काज दिखा करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर टू के अंदर।